हेलो नहीं। चलो ठीक है बच्चों, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। जो बच्चा लेट आएगा फिर वो क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेगा, अपनी क्लास रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है ठीक है भैया, क्लियर है? आवाज क्लियर है सभी को? हाँ भैया, यस सर, ठीक है। तो हाँ भैया, आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आज हमें पढ़नी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छा अभिषेक, तुमने भी सेंड नहीं करा था उनको? मैं कह रहा हूं अभिषेक, तुमने उनको सेंड करा कर दूंगा भैया, भूल था? गया, सॉरी सॉरी भूल गया था, कर दूंगा भैया, अभी क्लास के बाद भूल गया था मैं। चलो ठीक है। चलो बच्चों, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अब ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर वन, इसमें केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप भी है वो भी कई सारे हैं। ठीक है, पर जो ब्रॉडली हम डिवीजन करते हैं वो चार टाइप की केमिकल रिएक्शंस रखते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े तौर पे हम डिवीजन रखते हैं वो कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस रखते हैं? चार टाइप की केमिकल रिएक्शंस रखते हैं। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी केमिकल रिएक्शंस और है जिनको मैं अलग से बताऊंगा। ब्रॉडली हम चार ही तरह की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ये जो चार है, पहले मैं आपको चारों के नाम बता देता हूं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेनली हमारी चार टाइप की केमिकल रिएक्शन से आपके इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेन आपकी चार टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं। इसके अलावा आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, और डीकंपोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस, ये और भी है। ठीक है, पर वो अलग से छोटी छोटी है। मेन जो ब्रॉडली डिवीजन है वो इन चार टाइप की केमिकल रिएक्शंस का डिवीजन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ चारों के बारे में। सबसे पहले देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम में ही आपको कंबाइन होता हुआ दिख रहा है कि इसमें कुछ क्या हो रहा होगा, किसी चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कुछ चीजें कंबाइन कर रही होंगी। जहां पर भी कुछ चीजें कंबाइन कर रही होंगी उस रिएक्शन को मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलूंगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा हो कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट पर है, ठीक है, क्या हो, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे जब मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि ये सारे क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो नोट्स हैं वो मैंने आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया, आप उनको नोट कर लेना। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे टॉपिक की। ठीक है, मैं नोट्स लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो उस टाइप की रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल सिंपल दूंगा, इतने सिंपल एग्जाम्पल दूंगा कि आपको याद भी इजिली हो जाए। जैसे कि देखो सी प्लस ओ टू क्या बनाएगा,
कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमने क्या देखा कि दो चीजें कंबाइन होकर क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात यह है कि रिएक्टेंट कितने भी हो, प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बताया आपको, एच टू प्लस ओ टू क्या बनाता है, H2 plus O2 क्या बनाता है, H2। ये क्लियर है आप सभी को? ठीक है, ये हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल। ठीक है, इसके अलावा H2 plus Cl2 क्या बनाता है, HCl। इसमें भी क्या हो गया, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और बन रहा है क्या, एक सिंगल प्रोडक्ट, H2HCl होगा। वो तो HCl होगा ना, वो तो बैलेंसिंग के बाद में ये भी चेंज होगा। अच्छा, अभी हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे, एग्जांपल में हम बिना बैलेंसिंग के भी लिख सकते हैं। क्या कह रहे हो, मतलब एग्जांपल में तो हमें बैलेंसिंग करनी होगी ना, पर बैलेंसिंग जब तक आपको पर्टिकुलरली लिख कर नहीं देता कि इसको बैलेंस करो, तब तक आपको उसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कह रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, आपने बैलेंसिंग सीख ली है, पर बैलेंसिंग सीखने से पहले भी तो हम केमिकल रिएक्शन लिखा करते थे ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, आप केमिकल रिएक्शन को बिना बैलेंस करे भी लिख सकते हो, बैलेंस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको नंबर किसी में भी नहीं कटेगा, आपने अगर उसने नहीं बोला बैलेंस करने के लिए और आपने तब भी बैलेंस कर दी तो आपको कोई नंबर नहीं कट जाएगा। पर एक बात याद रखना, जब तक वो बैलेंसिंग के लिए जरूरी नहीं बोलता, तब तक करने की कोई जरूरत नहीं है मेहनत। ठीक है, अगर वो बोलता है कि बैलेंस करके दो मुझे रिएक्शन, तब भी आप बैलेंस नहीं कर रहे तो आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन जब तक उसने बैलेंस लिखा नहीं है कि यहाँ पर इसको बैलेंस करो, तब तक बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और बैलेंस होने के बाद तो ये वाली भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। अब इसका बच्चों एक बार आप सभी के सभी, अब मैं क्लास में आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, अब से आप क्या करना, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, तो आप सभी एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट करो मैडम, ताकि हम ज्यादा पोर्शन कवर कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना क्लास के बाद। ले लिया भैया। ठीक है, सबने ले लिया? यह मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अभी ये देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा होगा, डीकंपोज हो रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। उसमें दो तीन चीजें मिलकर एक सिंगल चीज बना रही थी, यहाँ पर एक सिंगल चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, आपका यहाँ पर रिएक्टेंट एक होगा और प्रोडक्ट आपके दो या दो से ज्यादा चीजें हो सकती है। ठीक है, अगर रिएक्टेंट भी एक है, प्रोडक्ट भी एक है, तो वो कोई डीकम्पोजिशन नहीं हुआ। डीकम्पोज होने का मतलब होता है टूट जाना। डीकम्पोज होने का मतलब क्या होता है, टूट जाना। तो अगर पहले भी एक था और बाद में भी एक है, तो टूटना थोड़ी है, तो वैसे का वैसे ही है। टूटने का मतलब है कि स्टार्टिंग में आपके पास एक था और टूट के वो दो या दो से ज्यादा हो गया। और अगर कभी ऐसा हो कि रिएक्टेंट साइड पर दिए हुए दो और प्रोडक्ट साइड पर दिए हुए तीन, तो आप सोचो ये भी तो टूट गए हैं, पर नहीं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा। जैसे कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट साइड पर एक ही प्रोडक्ट बना था, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट होगा। ठीक है, जैसे देखो CaCO3 कल देखा था हमने, क्या बनाता है, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, कैल्शियम। ठीक है, CaO प्लस CO2। ठीक है, इसी तरह से जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो ये क्या बनाता है, H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाँ, और इसी तरह एक और रिएक्शन है AgBr, जब ये टूटता है तो बनता है Ag। ये जो आप कहते हैं रिएक्टेंट साइड में कंपाउंड दे रहे हो, इनको भी रिएक्ट करने के लिए कुछ कुछ चाहिए भी, तो जैसे हीट वीट ये सब भी तो चाहिए। हाँ, वो चीज मैं बता रहा हूँ सर। ठीक है, मेन हम अभी बस एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन की आपको पहचान कैसे होगी। पहचान आपको ऐसे होगी कि रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ एक होगा और प्रोडक्ट साइड पर वो टूट गया होगा, और टूटेगा तो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा बन जाएगा। रिएक्टेंट साइड पर याद रखना एक ही होना चाहिए। इसलिए बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक दूसरे का ऑपोजिट भी कहते हैं।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डीकंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो डीकंपोजिशन का ऑपोजिट है। उसमें प्रोडक्ट एक ही था, रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, इस पर रिएक्टेंट एक ही है और प्रोडक्ट जो है हमारे दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो, हाँ भैया, अब ये जो डीकम्पोज हुआ है, डीकम्पोज हुआ है इसका मतलब टूटा है। आप एक बात बताओ, अगर आपको किसी भी चीज को तोड़ना है तो आपको उसमें थोड़ी जान लगानी पड़ेगी ना। अगर मान लो मेरे पास एक लकड़ी है और मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ तो मेरे को उस पर बहुत जोर से फोर्स लगाना पड़ेगा और खाली मेरे देखने से टूट जाएगी, मेरे को थोड़ी जान लगानी पड़ेगी इसमें, है ना। इसी तरह अगर किसी भी चीज को डीकम्पोज करना है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर तोड़ रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज को तोड़ना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो एनर्जी क्या हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पर जो आपका क्लास टेंथ का चैप्टर है इसमें आपको तीन तरह का डीकम्पोजिशन सिखाया हुआ है, आपको तीन तरह का डीकम्पोजिशन सिखाया है, यानी कि ये जो टूट रहे हैं ये तीन वजह से टूट सकते हैं, यानी कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो तीन तरीके से एनर्जी दे सकते हैं। ये है जब हमने हीट प्रोवाइड करी है यहाँ, ठीक है। ये है जब हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमने इसको क्या करा तोड़ा है, और ये हमारा सनलाइट की वजह से, सनलाइट, ठीक है, इसको हमने सनलाइट की मदद से तोड़ा है, ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हमने हीट की वजह से तोड़ा है, यानी कि हीट लगाकर तोड़ा है, ये इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से टूटा है और ये सनलाइट की वजह से टूटा है, ठीक है। इसलिए इस वाली टाइप को हम बोलते हैं क्या, इस वाली टाइप को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये हमने बिजली से पढ़ा था तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। और ये हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बच्चों मैं आपकी देखो रिएक्शंस बहुत सारी हैं और एग्जांपल में भी रिएक्शंस बहुत सारी यूज कर सकता हूँ, पर मैं वो रिएक्शंस यूज कर रहा हूँ जो कि आपके सिलेबस में बहुत काम आएंगे। आपको मैं कोई भी रिएक्शन लिख सकता हूँ पर मैं कोई भी रिएक्शन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शन लिख रहा हूँ जो कि आपको सिलेबस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस चैप्टर में काम आ जाएगी तो अगले वाले चैप्टर में काम आ जाएगी, तो मैं ये रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये पहचान मिले, आपको इनको ध्यान में रहे, आप इनको याद कर लो, ठीक है। जैसे कि ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वाला क्वेश्चन आपके चैप्टर में लाइमस्टोन वाला भी है, लाइम वाटर वाला भी है, ठीक है, तो दोनों ही यूज होते हैं। ये वाली जो रिएक्शन है ये मैंने आपको नोट्स में भी बताया, ये वाली जो रिएक्शन है कहाँ यूज होती है, किसी ने नोट्स पढ़े, ये वाली जो रिएक्शन है कहाँ यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, सीधा नाम देकर क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, वो लिखकर बताओ। ये आपका एनसीईआरटी में भी है और ये आपको यहाँ पर भी दिखता है, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया भैया, ठीक है। टाइम बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बहुत सिंपल था, डीकम्पोज होने का मतलब होता है टूटना, एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। उसके हमने तीन तरह की टूटने के लिए तीन तरह की हम एनर्जी दे सकते हैं, हीट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा और सनलाइट के द्वारा। तीनों के मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवा दिए, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप देखो वर्ड भी कितने सिंपल सिंपल यूज करेंगे, आप देखकर ही थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी चीज को डिस्प्लेस किया जा रहा है, डिस्प्लेस कैसे करते हैं, हम उसको हटाते हैं और उसकी जगह दूसरी चीज रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंपाउंड बना होगा और दूसरी तरफ एक अकेला एलिमेंट होगा,
वो आएगा उस कंपाउंड में से, उस एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद लग जाएगा। अब एक बात बताओ कि एक दो का जोड़ा बना हुआ है और तीसरा आकर उनमें से किसी एक को डिस्प्लेस कर देता है, तो तीसरा जो आ रहा है इसका मतलब पावरफुल था ना, तभी तो उसने वीक वाले को डिस्प्लेस कर दिया। अगर वो वीक होता तो पावरफुल वाले को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, हमेशा डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि देखो ये कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट का कंपाउंड था, इसमें कॉपर भी था और सल्फेट भी था, साइड में कहीं पर आयरन था। अब ये एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, ये आयन नॉन मेटल था, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, आप सभी ने देखा, ठीक है। ये एक मेटल है, ये एक मेटल है, एक मेटल की जगह मेटल ले सकता है ना, और इसमें से ऐसी बात है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव भी है। जब मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो आयरन जो है आप ये समझ सकते हो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस मेटल की जगह क्या लेगा, कॉपर की जगह आयरन ले लेगा, कॉपर आयरन जो है वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद रख जाएगा। तो ये क्या रहेगा, Fe2SO4 आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, कॉपर क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, ठीक है। पहले कॉपर सल्फेट था, साइड में आयरन था, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से, उसकी जगह खुद लग गया और कॉपर क्या रहेगा, अकेला रहेगा, ठीक है। अब बच्चों ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा मैं केमिस्ट्री के आपको चैप्टर्स कराता जाऊंगा तो मैं आपको कलर्स भी बताऊंगा सभी कंपाउंड के। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, एक शीट बना के दे दूंगा जिसमें सभी कंपाउंड्स के कलर दे दूंगा, क्योंकि कलर भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि इसमें कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। वेरी गुड, इस कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, ब्लू। और उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। ग्रीन बताओ, ग्रीन ग्रीन भी है, ग्रीन पेल ग्रीन, ग्रीन भी बोल सकते हैं और पेल ग्रीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने सॉल्यूशन लिया था बच्चों, जो हमने सॉल्यूशन लिया था, आप देखोगे कि स्टार्टिंग में उसका रंग था नीला, पर जैसे ही मैं उसमें आयरन की एक नेल डाल दूंगा तो सॉल्यूशन का रंग क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा, और सॉल्यूशन का रंग कुछ देर बाद क्या बन जाएगा, पेल ग्रीन बन जाएगा। आई बात समझ, इसको नोट कर सकते हो आप। इसी तरह मान लो अगर इसकी जगह जिंक भी होता, कॉपर सल्फेट, एक डाउट था, जिंक होता तो ये क्या बना लेता, ZnSO4+C। एक और एग्जांपल आ गया आपके सामने, बोलो बेटा भैया। जैसे हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसके साथ हमें इसकी स्टेट भी लिखनी है। नहीं नहीं बेटा, जितना चीज मैं लिख रहा हूँ ना, जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वही चीजें बस रिक्वायरमेंट है। मैं आप लोग, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था जो असल केमिस्ट्री से इंट्रोडक्शन है वो आपका आपको रिएक्शन देखना, आपने अब स्टार्ट करा, नाइन्थ क्लास में भी आप रिएक्शन देखे है ना, तो मैं बहुत सारी एक साथ चीजें लेके आपके पास रख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, जितनी चीजें मैंने लिखी है ये जरूर लिखो, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जब चीज जो चीज जहां पर इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, स्टेट लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट, हाँ भैया, अब लास्ट है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी सेम वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट भी, एक सेकंड मिल जाओ, जैसी डिस्प्लेसमेंट थी वैसी डबल डिस्प्लेसमेंट है। वहां पर एक चीज डिस्प्लेस हो रही थी, यहाँ पर एक साथ दो दो चीजें डिस्प्लेस हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साथ दो दो चीजें डिस्प्लेस हो रही थी आपकी, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल ले लो, Na2SO4+ BaCl2
यह मिलेगा क्या, देखो ये जो बेरियम है ये लग जाएगा इसकी जगह, और ये जो सोडियम है ये लग जाएगा इसकी जगह, ठीक है, ये लग जाएगा इसकी जगह और ये लग जाएगा इसकी जगह। तो बनाओ क्या बन जाएगा, आप सोडियम का क्लोरीन के साथ जब कंपाउंड बनता है तो क्या बनता है, NaCl, और बेरियम का सल्फेट के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, Ba2SO4। BSO4, बेरियम की भी दो होती है और सल्फेट की भी दो होती है, तो क्या बनेगा BSO4, ठीक है। और ये जो BSO4 है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा, यानी कि नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे जम जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ये रिएक्शन भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब ये आपकी चार टाइप की, जो मैंने आपको बोला था कि चार हमारी मेन डिवीजन और की है, चार टाइप की हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, वो हमने चारों पढ़ लिया। इसके अलावा छोटी छोटी और भी कई, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि एक प्रेसिपिटेट बना, तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ एक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट में मेरे को एक प्रेसिपिटेट बन के मिल जाए। आपने कोई रिएक्शन करी और प्रोडक्ट में आपको एक प्रेसिपिटेट मिल गया, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का अगर प्रेसिपिटेट बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाने का मतलब कि कुछ चीज नीचे जम जाए, कुछ चीज नीचे इकट्ठी हो जाए, जैसे पानी में अगर मैं मिट्टी डालता हूँ तो थोड़ी देर बाद जाकर नीचे जम जाती है ना, वो उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। जो भी चीज नीचे जम जाती है हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट बन। तो कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसे चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल लेने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी रिएक्शन को आप इनसे प्रेसिपिटेशन में लिख सकते हो, है ना। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स NaCl प्लस BSO4, और ये क्या हमारा PBDI, ये क्या हमारा PBDI, यानी कि प्रेसिपिटेट है। और कई बुक में प्रेसिपिटेट को बताने के लिए हम ऐसे एरो का डाउनवर्ड साइन भी बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हमें पता कैसे चलता है कि प्रेसिपिटेट बन गया है, मतलब अगर इसके अलावा कोई और रिएक्शन हो तो? बेटा जो केमिकल रिएक्शन होती है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो आप कॉपी पर करते हो या केमिकल रिएक्शन असल में लाइव लैब में की जाती है? लैब में भी लैब में की जाने वाली चीज है ना, केमिकल रिएक्शन क्या है, लैब में की जाने वाली चीज है। तो जो चीज हमारे पास बन के आ गई, प्रेसिपिटेट बन के आ गई, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये डेटा है, ये हम ये जो डेटा है, ये जो फॉर्मूला है, ये हम अपने हिसाब से थोड़ी बना रहे हैं, ये हमारी कहानी थोड़ी है जो जो हम जो चाहे वो कर दें। जैसे कि मेरा मन नहीं है इसका BSO4 बोलने का, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको Ba17SO4 22 बोलूं, तो ऐसा थोड़ी हो पाएगा, मैंने जानबूझ कर ही लिखा है ना। आप इमीडिएट से बोलो कि ये BSO4 ही बना, क्योंकि ये लैब में उस तरीके का बना था, केमिकल रिएक्शन असल में उस तरह की हुई थी, इसलिए जो केमिकल इक्वेशन है वो कुछ अपने आप में अलग चीज थोड़ी है। केमिकल इक्वेशन तो जो हमने असल में रिएक्शन करी थी उसी को हम लिखित रूप में लिख रहे हैं, जो असल में उस टाइम पर हुआ था वो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया। आई बात समझ में? जैसे कि कोहली ने एक दिन शतक मार दिया, अब तुम मुझसे बोलो कि भैया कोहली अगली बार कब कब शतक मारेगा ये बता दो, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कोहली कब कब शतक में मारेगा। एक असल में लाइव मैच हुआ था उसका मैंने डेटा लिखकर तुमको दे दिया कि कोहली ने शतक मारा, अब कोहली कब कब शतक मारेगा या प्रेसिपिटेट किस किस रिएक्शन में बनेगा या कब कब बनेगा, ये हम रिएक्शन करके ही हमें पता चलेगा, हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। असल में केमिकल रिएक्शन हुई है उसको बस मैंने रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म। केमिकल रिएक्शन हम अपने हिसाब से थोड़ी चला सकते हैं, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर प्रेसिपिटेट थोड़ी बना सकता हूँ, ये बना है इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। ठीक है भैया, चलो ये हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं इसको? हाँ भैया, ठीक
चलो अब नेक्स्ट है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें, जैसे कि मैंने आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया कि अगर किसी रिएक्शन में कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, अगर किसी रिएक्शन में क्या हो, कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, नीचे कुछ चीज जम जाए, तो हमने बोल दिया कि इस टाइप की रिएक्शन को आपसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर किसी भी एक रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो जाए, किसी रिएक्शन में क्या हो, और एनर्जी इवॉल्व, इवॉल्व हो मतलब निकले बाहर, निकले भी अपने हार्ट लिख दिया, क्या कर रहे हो, हार्ट लिख दिया अपने, अच्छा हार्ट लिख दिया। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में अगर हीट या एनर्जी इवॉल्व हो यानी कि बाहर निकले, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि CaO plus H2O, ये बनाएगा क्या CaOH, और twice, और इसमें हमने देखा है कि साथ में क्या निकलती है, हीट निकला करती है, इस रिएक्शन में क्या होगा, साथ में हीट निकला करती है या एनर्जी निकला करती है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल। अब इसी तरह एक और इसके साथ में साइड बाय साइड आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके साथ में आती है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या हो, हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ठीक है, यानी कि देनी पड़े, इसमें आपको हीट और एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, वो रिएक्शन जो है वो हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, सोख लेगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, हीट या एनर्जी देनी पड़ेगी, आसपास हीट होगी या एनर्जी होगी तभी तो वो एब्जॉर्ब करेगी, नहीं तो कैसे करेगी। ठीक है, इस रिएक्शन में हीट या एनर्जी बाहर निकलती है, इस रिएक्शन में हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जैसे कि ये हीट के अलावा और कोई भी एनर्जी हो सकती है, जैसे कि ये देखो H2O gives H2 plus O2, क्या कह रहे हो, हीट के अलावा लाइट एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अब हीट के अलावा मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो भी, अच्छा वो भी कहते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में आएगा, क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर कहते हैं कोई और टाइप की एनर्जी भी यूज हो तो कहते हैं वो भी, मतलब कहते हैं यूज हो या फिर कहते हैं निकले, तो फिर वो भी कहते हैं इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में आएगा। तभी मैंने स्पेसिफिक नहीं लिखा ना, मैंने खाली एनर्जी लिखा है, मैंने हीट एनर्जी थोड़ी लिखा है, हीट या फिर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कोई भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, पर कोई भी एनर्जी का मतलब कोई भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं लग सकती, यहाँ पे कोई मोशन तो हो नहीं रहा, ना ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लग सकती, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई हाइट थोड़ी बढ़ती है जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, आई बात समझ में, तो कोई और एनर्जी हो सकती है, जैसे कि साउंड निकल सकती है उसमें से, आवाज आने लग जाए पट पट की, है ना, तो साउंड एनर्जी निकल गई, हो सकता है उसमें से कुछ जल जाए तो वहां पर लाइट एनर्जी आ गई और हीट एनर्जी दोनों आ गई। ठीक है, बट हीट भी निकल सकती है या कोई और एनर्जी निकल सकती है, आई बात समझ में, तो अगर किसी भी रिएक्शन में हीट या फिर एनर्जी बाहर निकले यानी कि रिएक्शन खत्म होने के बाद निकल कर आया, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर स्टार्टिंग में मुझे हीट की एनर्जी देनी पड़े उसको, वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को एनर्जी को, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ठीक है आपको। अब यहाँ पर बच्चों कुछ देखने वाली बात है, यहाँ पर कुछ देखने वाली बात है कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, उस रिएक्शन का ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये एक तरीके की क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो है, और ये कैसी रिएक्शन है, नीचे वाली डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वेरी गुड, ये कैसी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उन सभी में से हीट निकला करती है, और जितनी भी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उन सभी में से पहले हमको एनर्जी देनी पड़ती है। ये तो मैंने आपको जब डीकम्पोजिशन पढ़ाया था तब भी बोला था कि डीकम्पोज हो रहा है, कोई भी चीज टूट रही है, और कोई भी चीज टूटेगी कैसे, जब आप उसमें एनर्जी लगाओगे तभी तो वो टूटेगी, अगर एनर्जी चाहे आप हीट की फॉर्म में लगाओ
चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में लगाओ, चाहे आप लाइट की फॉर्म में लगाओ, एनर्जी तो आप लगा ही रहे हो ना, यानी कि एनर्जी आप उसको दे रहे हो, तभी वो एनर्जी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है नेचर में, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो नेचर में एक्सोथर्मिक होती है। आई बात समझ में? हाँ भैया, हाँ भैया, ये बात क्लियर हुई। ये हो गए हमारे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज और बोलने वाला हूँ, मैं अपनी ध्यान से निकल गया, हीट और एनर्जी निकले और हीट और एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक हो गया और एक्सोथर्मिक हो गया। हाँ, मैं डीकम्पोजिशन का उसमें क्या बोलते हैं, किसी ने मैं पूछा था कभी कुछ, जैसे हीट और एनर्जी निकल रही है तो हीट की फॉर्म में भी निकल सकती है, और एनर्जी आपकी हीट और लाइट की फॉर्म में, जैसे कि जब हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं हमको फूड अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है ना वो फूड। जो हम खाना खाते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि फूड का क्या होता है, हर जगह लिखा होता है कि फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी फूड टूटता है ना। हाँ भैया, वहां पर भी क्या होती है, एनर्जी, ठीक है, वो चेंज होता है, किसी और फॉर्म में चेंज होता है, और सारे मिलकर पहले सब कुछ टूटता है और फिर वो सारे मिलकर कुछ कुछ नया कंपाउंड बनाते रहते हैं, ठीक है। और वहां पर भी क्या होता है, फिर हमको क्या मिलती है, एनर्जी बनती है वहां पर, वहां पर भी क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या होती है, एनर्जी मिलती है ना। हाँ भैया, हाँ, तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि जो डाइजेशन है वो भी क्या एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारे को एनर्जी मिल रही है, उसमें एनर्जी मिल रही है। कुछ कह रहे हो कशिश? नहीं सर। ये डाइजेशन का मतलब एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब करना थोड़ी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना नहीं है, मैंने बोला डाइजेशन में पहले जो है सब्सटेंस ब्रेक डाउन होते हैं, उसके बाद वो सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं ना, जैसे सब्सटेंस पहले ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, ठीक है, उसके बाद वो सब्सटेंस क्या होते हैं, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जब वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं तब वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन लगती है और हमें एनर्जी निकलती है, वो एक तरह की एनर्जी उसमें से निकलती है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो डाइजेशन की क्या एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। इसमें मैं एक चीज फाइल और बताने वाला हूं, ले लिया भैया। चलो ठीक है, एंडोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, प्रेसिपिटेशन भी पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट टाइम हमारा क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले देखो आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अगर मान लो कभी आपकी एक रिएक्शन हो गया और उस रिएक्शन के दौरान अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन कम हो जाए, दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए उसमें, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे कि मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो अब अगर मैं बेरियम को देखूं, अगर मैं इसको देखूं बेरियम क्लोराइड, तो इसके अंदर जो बेरियम है, इसके अंदर जो बेरियम है, पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन खत्म होने के बाद उसके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, रिएक्शन खत्म होने के बाद उसके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया है, दिख रहा है सबको, पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था और रिएक्शन खत्म होने के बाद उसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, मैं क्या बोलता हूँ, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। रिएक्शन होने से पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, बेरियम क्लोराइड के पास,
और रिएक्शन खत्म होने के बाद इसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर किसी सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए, अभिषेक कुछ कह रहे हो तुम? हाँ भैया बोलो। भैया मैं कह रहा या मैं कह रहा ही कहते हैं जो ऑक्सीडेशन होगा इस मतलब जो आपने एग्जांपल दिया उसमें ऐसे बोलेंगे कि कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बेरियम या फिर पूरे कंपाउंड का बोलेंगे। क्या कह रहे हो? या मैं क्या कह रहा हूँ कहते हैं आपने बोला ना कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया तो फिर ऐसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कहते हैं बेरियम या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड पूरा बोलेंगे ऐसे। पूरा बेरियम क्लोराइड बोलेंगे ठीक है। जो रिएक्टेंट साइड पर कंपाउंड है देखो मैंने कूड़े के नीचे निशान लगाया ना, मैंने कूड़े के नीचे निशान लगाया इसलिए इस कूड़े का हुआ है बेरियम क्लोराइड का हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन बोलेंगे किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, बेरियम क्लोराइड का हुआ है, पूरे कंपाउंड की बात है ठीक है। बेरियम क्लोराइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो बेरियम सल्फेट बन गया। ये क्लियर है सबको? जी सर। इसको नोट कर लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं नहीं सर। एक और मैं सोच सकता हूँ, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये रिएक्शन भी शायद आपकी बुक की है। ये बनेगा H2O plus copper। तो देखो पहले यहाँ पर जो हाइड्रोजन है H2 गैस है, इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था और बाद में क्या हो गया, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ गया, हाइड्रोजन का हो गया। आई बस समझ में, क्लियर है सबको? हाइड्रोजन का क्लियर है सबको? हाँ भैया। हाँ क्लियर है भैया। ले लिया? अब नेक्स्ट ये एक मिनट रुक जाओ, इसको नहीं मिटा रहा पीछे वाले। नेक्स्ट चलेगा रिडक्शन। नेक्स्ट इज रिडक्शन। अच्छा आज की क्लास भी कठिन, आज की क्लास में 40 मिनट हो गए कठिन। सर ये नहीं कटेगी जब तक आप नहीं काटोगे। ये रोज रोज कैसे हो रहा है मेरे साथ? भी आज मैंने भी एक रूम बना के देखा था तो उसमें मैंने टाइम लिमिट बढ़ाई थी तो फिर वो कटी नहीं 1 घंटे तक। सर एक टाइम लिमिट की होती है और एक बिना टाइम लिमिट की होती है, आपने शायद ये बिना टाइम लिमिट की करी है। तो कोई टाइम लिमिट की कोई करेगा ही क्यों? कौन सा ऐसा टीचर होगा जो 40 मिनट की रखना चाहेगा? स्कूल टीचर्स बेटा मानो कितने नंबर आए जरा बता दो बच्चों को अपने। हाँ अब देखो नेक्स्ट है रिडक्शन। यहाँ पर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसका जस्ट अपोजिट है, और या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में से जैसे उसमें क्या था ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा था, अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए यानी कि ऑक्सीजन या तो रिमूव हो जाए या फिर कम हो जाए ठीक है, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बढ़ जाए, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा ठीक है। या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या फिर हाइड्रोजन बढ़ जाए तो उस वाले रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस वाले रिएक्शन को नहीं उस कंपाउंड का हम क्या बोलेंगे कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। उस कंपाउंड का हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो गया। जैसे कि मैं इसी रिएक्शन में देख सकता हूँ, आप ये देखो ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसके पास पहले ऑक्सीजन था, इस कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था और रिएक्शन खत्म होने के बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं रहा, इसमें से क्या हो गया ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो हम क्या बोलेंगे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जब मैं बोलूंगा कि रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, हाँ जब मैं बोलूंगा कि रिडक्शन हुआ है तो मैं रिडक्शन किसका बोलूंगा, कॉपर का या कॉपर ऑक्साइड का?
कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, नोट पर आके लिख लो, एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का आंसर हमेशा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का आंसर हमेशा रिएक्टेंट साइड से आएगा, रिएक्टेंट साइड से आएगा, ठीक है। कहां से आएगा? रिएक्टेंट साइड से आएगा। कभी आपसे बोले ऑक्सीडेशन किसका हुआ है ये बताओ, कभी आपसे बोले कि रिडक्शन किसका हुआ है ये बताओ, आपको प्रोडक्ट साइड को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ रिएक्टेंट साइड को देखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, इसका आंसर will always come from reactant side. Reactant side से इसका आंसर आएगा, कभी भी product side से इसका आंसर नहीं आएगा। ये बात clear है सभी को? कभी भी आपसे पूछे कि किसका oxidation हुआ है या किसका reduction हुआ है, तो आंसर हमेशा आप कहाँ से लोगे? Reactant side से लोगे, कभी भी product side से नहीं लोगे। ये नहीं बोलोगे कि copper का reduction हुआ, आप क्या बोलोगे कि copper oxide का reduction हुआ, ठीक है। इसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। कॉपर के पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो कम क्या होगा, रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन कम हो जाना। इसके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो कम क्या होगा, इसके पास था ना ऑक्सीजन, इसका कम हुआ है ना, तो आंसर हमेशा कहां से आएगा? रिएक्टेंट साइड से आएगा। इसको नोट बनाकर रख लो। आई बात समझ में? हाँ भैया। हाँ, अब नेक्स्ट है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होते हैं। अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी का रिडक्शन भी हुआ होगा ना। अगर मैंने, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज लाकर तुम्हें दे रहा हूँ तो मैंने किसी से तो ली होगी ना, तभी तो तुम्हें दी है। अगर मैं तुम्हें लाकर चॉकलेट दे रहा हूँ तो चॉकलेट कहाँ से आई? मैं दुकान से ली है, तभी तो तुम्हें दी है। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि किसी के ऑक्सीजन अगर बढ़े हैं, तो वो बढ़े कहाँ से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया। फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने मुझे क्या बताया था? कोई भी नई चीज तो बन ही नहीं सकती, कोई भी नई चीज तो बन ही नहीं सकती। जो हमारे पास पहले से था वही हमारे पास रिएक्शन के बाद भी होगा, है ना। रिएक्शन होने से पहले जो सामान था हमारे पास, रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही सामान होगा हमारे पास। तो अगर किसी के पास ऑक्सीजन है, जैसे कि हमने देखा था कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया है, तो हमने क्या बोला, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया ना। हमने क्या बोला था, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि इसको ऑक्सीजन मिल गया। अब ऑक्सीजन मिलेगा कहां से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने तो हमें बोला था कि कोई नई चीज नहीं से आ ही नहीं सकती, तो वो ऑक्सीजन उसको मिला कहां से? इसका लिया है उसने, तब आया उसके पास। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा क्या होंगे? एक साथ ही होंगे एक रिएक्शन में। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन भी छुपा हुआ है, ठीक है। अगर किसी को कुछ चीज पाई है तो वो किसी से मिली ही होगी, वो कहीं से पैदा नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन अगर उसको मिला है तो वो कहीं से आ नहीं सकता, वो किसी का लिया है, उसने अभी आया है उसके पास। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन भी हुआ था, तभी उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ये बात क्लियर है सभी को? भैया पर आपने जो पहले एग्जांपल लिया था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला, उसमें भी या दोनों कहां पे? उसमें तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ था ना। हाँ, उसमें सिर्फ वही था बच्चों। देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पर 10th क्लास में ना ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें हमको कंडीशंस थोड़ी सी लिमिट करी गई है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वो दिए हैं, कंडीशन दिए, एक होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गेन करना और इलेक्ट्रॉन का लूज करने से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो जो मैंने इससे पहले वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक और पॉइंट ऐड करोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। अभी आपको उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी आपके पास जितने एग्जांपल आएंगे पेपर में कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है ये पहचानो, या रिडक्शन किसका हुआ है ये पहचानो, वो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पर आएंगे। 10th क्लास में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चन आएंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पर ही आएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि अगर किसी ऑक्सीजन आया तो वो कहीं ना कहीं से आया ही होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जहां हुआ है वहां पर रिडक्शन भी जरूर हुआ ही, इस बात को बस ध्यान रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। चलो
अब जो मैं बता रहा था क्या थी, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की हमारी रिएक्शन है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि एक साथ होते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है, उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है ये। क्लियर हुआ सबको? हाँ भैया। चलो अब ये बच्चों अगर यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म हो गई है, टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी इतनी ही थी। ठीक है, अब जो आपके चैप्टर वन का लास्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन। जो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। ठीक है, अब आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का क्या, ऑक्सीडेशन जब क्या हो जाए, मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, जब क्या हो जाए, मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाए। मेटल्स का ऑक्सीडेशन होने का मतलब यह है कि वो जो हमारा मेटल है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जो हमारा मेटल है वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। जैसे कि मान लो आपने, आपके पास थोड़ा सा मैग्नीशियम पड़ा हुआ, आपको मैंने थोड़ा सा मैग्नीशियम मेटल दिया और आपने ऐसी अपने कमरे में ला के, घर में ला के रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, समय के साथ जो उस कमरे में ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम उस ऑक्सीजन के साथ थोड़ी थोड़ी रिएक्शन करने लग जाएगा और जो उसकी सरफेस है, जो उसकी आउटर सरफेस है, उस पर क्या हो जाएगी, एक कोटिंग बन जाएगी इसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, विद टाइम मैग्नीशियम गेन्स अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, अगर आपने मैग्नीशियम को खुले में रखा हुआ है तो जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो मैग्नीशियम की सरफेस के साथ, अब मान लो अगर ये मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपने मैग्नीशियम रखा हुआ है क्यूबिकल फॉर्म में, मान लो अरे क्या कर दिया, ये मान लो मैग्नीशियम है आपके पास, ठीक है, आपने खुले में रखा हुआ है, तो क्या होगा, जो इसकी सरफेस है, जो इसकी सरफेस है वो क्या करेगी, उसके साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, और इसकी सरफेस, सरफेस पर अंदर तो नहीं घुस सकती ऑक्सीजन, तो अंदर वाला मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा, पर जो सरफेस पे मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक लेयर बन जाएगी, एक कोटिंग बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब अगर आप उसको सीधा जलाना चाहोगे तो सीधा जलेगा नहीं, आपको उसको पहले ऊपर से रगड़ना पड़ेगा, वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। इसी तरह आपने देखा होगा चांदी भी कुछ समय बाद अगर ज्यादा बाहर रखा हो तो कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सिल्वर है उसने भी क्या करा है, एटमॉस्फेयर से और मॉइस्चर से क्या कर लिया है, रिएक्ट कर लिया है, तो उसके ऊपर भी क्या हो गई है, एक कोटिंग चढ़ गई है। इसी तरह जो कॉपर होता है उसके ऊपर भी कोटिंग चढ़ जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस पर। इसी तरह सिर्फ मेटल्स में ही नहीं, फूड में भी हमने देखा है, फूड में चलो अब इसके बाद रेंसिडिटी आएगा तब बताऊंगा। जैसे आप सेब का एग्जांपल ले सकते हो, सेब को भी अगर आप थोड़ा सा काट कर छोड़ दो, आधा काट के छोड़ दो, तो आप देखोगे पहले तो एकदम व्हाइट व्हाइट होता है कटा हुआ हिस्सा, और कुछ देर बाद कैसा हो जाता है, रेडिश हो जाता है ना, कैसा हो जाता है, रेडिश हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या करने लगते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, प्रेशर के साथ रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि सेब में आयरन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, तो आप बस इतना सोच लो कि वो जो आयरन है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी और उस पर जंग लग गया, इसलिए वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल जो है इसको हम कहते हैं कोरोजन। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, देखो वैसे तो है ऑक्सीडेशन, सारी चीज क्या है ऑक्सीडेशन ही है, पर मेटल के लिए हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। ठीक है, जो कोरोजन है ये हम सिल्वर में भी देख सकते हैं, ये हम कॉपर में भी देख सकते हैं, एल्यूमिनियम में भी देख सकते हैं, दुनिया भर के उनमें देख सकते हैं। ठीक है, दुनिया भर के मेटल्स में देख सकते हैं। ठीक है, इनका क्या हो जाता है, अगर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम में भी देख सकते हैं,
तो इनके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, अंदर तक तो नहीं घुस सकता ऑक्सीजन, है ना, जो बाहर की सरफेस से ही रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन, तो सरफेस पर एक लेयर बन जाती है, फिर उस सरफेस को हटाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि चांदी काला पड़ गया तो खराब ही हो गया, आप उसको ले जाते हो और जो जुगर होता है वो उसको ठीक कर देता है, कैसे, वो उसकी ऊपर की लेयर हटा देता है बस, जो लेयर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई थी उसी लेयर को हटा देता है, फिर आपका चांदी फिर से चमक जाता है। ये बात क्लियर हुई सबको? जो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स है, मेटल जब ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में तो उनके ऊपर लेयर बन जाती है, वो रिएक्ट कर जाती है, कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, कईयों के साथ कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, सब में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की और मॉइस्चर की, तो वो अलग अलग कंपाउंड बना लेते हैं जिसकी वजह से कोटिंग चढ़ जाती है उनके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से उनका रंग चेंज हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स को हमने एक स्पेशल टर्म दिया और इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? भी और जो एक रस्टिंग होता है वो और कोरोजन सेम ही होता है वैसे? हाँ, वो और कोरोजन सेम होता है, मैं इसके बाद ही बताने वाला था। देखो हमने बोला ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसे कोरोजन बोलेंगे। अब इसमें भी हमने थोड़ा स्पेसिफिक केस कर दिया कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ, अगर किसी मेटल की जगह अगर मैं सिरप ऑक्साइड, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं, हमारे आसपास आयरन के आर्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं, तो आयरन पर हमारा ध्यान काफी खास करते हैं, है ना, तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, जब आयरन ऑक्सीडाइज कर जाता है तो हम उसको कोरोजन नहीं बोलते, वैसे कोरोजन भी बोल सकते हैं पर उसके लिए हमें एक और स्पेशल नाम रखना, उसको हम बोलते हैं क्या, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, इन मेटल्स का भी ऑक्सीडेशन ही होता है, जब नॉर्मल मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसको कोरोजन बोल देते हैं, एक हमारा गहरा आयरन है अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो हम इस पर रस्टिंग बोल देते हैं, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम ही प्रोसेस है दोनों में, और जो आयरन है उसकी भी जो आउटर सरफेस है, अंदर तक तो ऑक्सीजन घुस नहीं सकता, जो आउटर सरफेस है, जब वो आउटर सरफेस ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, मॉइस्चर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें वाटर भी लगता है ना, जो रस्ट होता है, यानी कि रस्टिंग जो प्रोसेस है उसके बाद जो रस्ट बनता है, जो आयरन जो लोहा होता है वो लाल लाल रंग हो जाता है ना, जब जंग लग जाता है तो लाल लाल हो जाता है, तो वो जो रस्ट बनता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है, क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, तो जो रस्ट बनता है उसमें उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये बात क्लियर है सबको? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स होगा, अगर ऑक्सीडेशन पढ़ा हमने सबसे पहले, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना, ऑक्सीजन बढ़ जाना या हाइड्रोजन कम हो जाना, अब अगर ऑक्सीडेशन होगा मेटल्स का तो हम उसको बोल देंगे कोरोजन, और अगर स्पेशली ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का तो मैं उसको बोल दूंगा रस्टिंग, बाकी कोरोजन और रस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आयरन के लिए हमने अलग से नाम रख दिया है रस्टिंग, ठीक है, ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से जब ये रिएक्ट करेंगे मेटल्स तो इसको हम मेटल्स के लिए कोरोजन और यहाँ पर रस्टिंग बोल देंगे। अब बताओ ये क्लियर है सबको? भैया यहाँ पे जो एक्स है वो क्या शो कर रहा है? एक्स शो कर रहा है कि यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल हमने इसलिए रखा है क्योंकि वो फिक्स नहीं है, जैसे कि जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, ये आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, क्लास 10th में ही चैप्टर 3 में पढ़ोगे, जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं, एक तो कॉपर सल्फेट आपको पाउडर फॉर्म में मिल सकता है सॉल्ट की फॉर्म में, पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, आप लोगों ने शायद 9th में एक्सपेरिमेंट करा होगा, ब्लू कलर के क्रिस्टल बनाए होंगे कॉपर सल्फेट के, आप लोगों से स्कूल में करवाया होगा या 8th में करवाया होगा, तो जब कॉपर सल्फेट है नॉर्मली सॉल्ट की फॉर्म में तो वो तो ऐसे होता है, पर जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं तो वो होता है CuSO4.5H2, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल लगे होते हैं, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ये मैं आपको क्लास 10th में ही चैप्टर 3 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी तरह जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल चिपकते हैं, यहाँ पर 5 लगे यहाँ पर 10 लगे, इसके लिए ये वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स लिखा हुआ। ये बात समझ में आई सबको? हाँ भैया, ठीक है। इसी तरह जब आप चैप्टर 2 पढ़ोगे तो आप पीओपी पढ़ोगे, पीओपी का फॉर्मूला पता है किसको? बचपन में ही पढ़ा होगा वैसे आपने, किसको पीओपी का? हाँ बताओ, ब्लास्टर ऑफ पेरिस, CuSO4 डॉट
हाफ एस टू, ये पीओपी का फॉर्मूला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ऑक्सीडेशन और रस्टिंग समझ लो, कोरोजन और रस्टिंग समझ में आया। अगर कोई मेटल ऑक्सीजन में रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को हम बोलते हैं कोरोजन। अगर वही ऑक्सीडेशन हो जाए आयरन का तो मैं उसको बोलता हूँ रस्टिंग। ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हाँ भैया, ठीक है। अच्छा बताओ कि कोरोजन को या रस्टिंग को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ये किसी या गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, अगर वो व्हाइट कोटिंग लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। हां वेरी गुड। जो रस्टिंग और कोरोजन, इसको प्रिवेंट करने के हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ऑयलिंग ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा पेंटिंग कर सकते हैं, उस पर पेंट कर दें, है ना। पेंट करने का मकसद क्या है, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करने का मकसद क्या है? कि जो आयरन की सबसे बाहर की लेयर है वो ऑक्सीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ जाए। पेंट लगाने से क्या होगा कि एक कवर आ जाएगा, एक लेयर चढ़ जाएगी उसके ऊपर, तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से या एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, या गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन पढ़ा आपने बचपन में? गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, किसकी लेयर चढ़ाते हैं? जिंक। वेरी गुड, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसको मिटा देता हूं। अब लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं आज के, रेंसिडिटी पे। चैप्टर खत्म हो जाएगा, मिटा दो। हाँ भैया, रेंसिडिटी, जैसे कि कोरोजन को मैंने लिखा था ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, रेंसिडिटी होती है क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स। जब हमारे फूड आइटम्स ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको सेब का एग्जांपल दिया था कि सेब को आप आधा काट के रखो तो थोड़ी देर बाद वो कैसा हो जाता है, उसको रेडिश रेडिश हो जाता है, व्हाइटिश पोर्शन, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स कह सकता हूं मैं, या अगर और प्रिसाइजली कहना चाहूं तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड आइटम। आप देखो जितने भी हमारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिसमें कि फैट होता है या ऑयल होता है, वो भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर जाते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है या जो मॉइस्चर है उसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं उसके साथ। और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, जो सबसे पहली चीज थी चैप्टर की, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, केमिकल रिएक्शन का मेन मकसद क्या है कि एक नया सब्सटेंस बनेगा, पहले के मुकाबले एक चेंज की हुई चीज मिलेगी मेरे को। तो पहले जैसे वो फूड आर्टिकल थे, रिएक्शन करने के बाद क्या वो पहले जैसे रहेंगे? नहीं, वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और चेंज कैसे होंगे, उनकी स्मेल में चेंज आ सकता है, ठीक है, या उनके टेस्ट में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप चेंज हो सकते हैं, जैसे कि आप चिप्स लेकर आए, चिप्स आपने खुले छोड़ दिए और एक दिन तक वो वैसे पड़े रहे, उसके बाद अगले दिन अगर आप उन चिप्स को खाते हो तो आपने देखा होगा कि उनका टेस्ट अलग हो जाता है, खट्टे खट्टे हो जाते हैं, है ना, या पतले पतले से भी होता है, काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप बिस्किट भी रख दो बाहर, है ना, तो उनका भी यही हाल होता है। इसी तरह कुरकुरे वगैरह भी रख दो तो उनका भी यही हाल होता है। जितनी भी फैट और ऑयल कंटेनिंग चीजें हैं, जितने भी चिप्स हैं या जितने भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट कर सकते हैं और क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इनकी स्मेल चेंज हो सकती है, इनका टेस्ट चेंज हो सकता है। ये जो स्मेल चेंज हो जाती है और टेस्ट चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ, या द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्मेल और टेस्ट ऑफ अ फूड आइटम ड्यू टू द एक्शन ऑफ
ऑक्सीजन और द मॉइस्चर और द एटमॉस्फेयर ऑन इट, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से जो उस पर रिएक्शन हुई है उसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा, स्मेल चेंज हो सकती है या फिर उसका टेस्ट चेंज हो सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी किसके लिए होगी, ओनली फॉर फूड आइटम्स। रेंसिडिटी किसके लिए होगी, ओनली फॉर फूड आइटम, जैसे कि कोरोजन है ओनली फॉर मेटल्स, रस्टिंग है ओनली फॉर आयरन, इसलिए रेंसिडिटी है क्या, ओनली फॉर फूड आइटम्स। पर घुमा फिरा के तीनों में बात क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोरोजन में क्या हो रहा था, मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा था, रस्टिंग में क्या हो रहा था, आयरन का ऑक्सीडेशन। ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, हाँ भैया, हाँ। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, उनकी स्मेल चेंज हो सकती है या फिर उनका टेस्ट चेंज हो सकता है। अब इसी तरह जैसे हमने कोरोजन को प्रिवेंट करा था, इसी तरह रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं चिप्स के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके, चिप्स के ऊपर मैं पेंट तो नहीं लगा सकता और ना ही मैं चिप्स की नाइट्रोजन ऑयल लगा सकता हूं, नाइट्रोजन गैस ऐड करके। हाँ, नाइट्रोजन गैस ऐड करने का मेन मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फूड आइटम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा फूड आइटम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। जैसे कि अगर मैं चिप्स का एग्जांपल लूंगा, तो अगर मैं चिप्स को पैकेट में डाल रहा हूँ, तो पैकेट में डालूंगा तो थोड़ी 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 ना थोड़ी थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजन उसमें घुसी जाएगी, है ना। और कोई गैस अगर मैं उसमें डाल दूंगा, जैसे ऑक्सीजन की जगह मैं कोई और गैस डाल दूंगा, जैसे कि मीथेन डाल दूं या कोई और डाल दूं, तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा ना कि वो गैस कैसी है, उस गैस का नेचर कैसा है, कहीं वो और गैस और पॉइजनस हो, उसको और ज्यादा खराब कर दे। तो हमने एक ऐसी गैस ली है नाइट्रोजन गैस, जो कि क्या है, अनरिएक्टिव है। जो हमारी N2 गैस है ये क्या है, अनरिएक्टिव है। ये गैस क्या करती है, वो खाने के जो आइटम होते हैं, जो चिप्स होते हैं, उनके साथ रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए हमने नाइट्रोजन का इस्तेमाल करा है और बाकियों का इस्तेमाल नहीं करा। ऑक्सीजन की जगह हम किसी और का भी इस्तेमाल कर सकते थे, पर हमको ये चीज भी तो देखनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन की जगह हम जिसको डाल रहे हैं वो कहीं और ज्यादा पॉइजनस हो, हमारे फूड आइटम को पॉइजनस कर दे, है ना, और ज्यादा खराब कर दे। तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल, क्योंकि ये क्या है, अनरिएक्टिव है, है ना। अब वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो चिप्स ऐसी पड़े रहेंगे, उनका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, पर जैसे चिप्स आप खोल दोगे और फिर से फ्रिज में रख दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, उससे खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो जो फूड आइटम्स होते हैं, जो चिप्स होते हैं, दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, उनको उनमें नाइट्रोजन भर दी जाती है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और नाइट्रोजन भर दी जाती है, जिससे कि वो क्या रहते हैं, प्रिवेंटेड रहते हैं। आई बात समझ में क्लियर है सबको? बेटा मानव, आर्यन और ये कशिश, यस सर, परी, जी सर, हाँ जी भैया, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो यही था बच्चों आपके चैप्टर में, बाकी अभी इस चैप्टर की कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जब मैं आपके साथ इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूंगा तो थोड़ी और चीज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी और चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। चैप्टर में जो सीखने का कंटेंट पोर्शन था वो इतना ही था, मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। अगली क्लास जब है हमारी, अगली क्लास ट्यूजडे को है, ट्यूजडे तक आप लोगों के नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए पहली बार, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो गया था, पूरे चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद आप लोग इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके लेके आओगे, चैप्टर खत्म हो गया है तो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आओगे। अगली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, तो जिसका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया, ओके भैया, चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था, आपका चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी टॉपिक में आज के? नहीं सर, सबको क्लियर है सब कुछ? हाँ भैया, जी सर, चलो ठीक है बच्चों, गुड नाइट, ओके, गुड नाइट भैया, गुड नाइट सर।